देश की महारत्न कंपनी सेल के बोकारो स्टील के आवास जर्जर हो चुके हैं। प्रतिदिन यहां आवास के छज्जे गिर रहे हैं, बावजूद इसके प्रबंधन का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। आज एक बार फिर बोकारो के सेक्टर 12A में आवास का छज्जा गिरने से घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। हालांकि हजारों रुपए की संपत्ति नष्ट होने की सूचना है। लोगों का कहना है कि साल 2016 से लेकर 2019 तक बोकारो स्टील के मेंटेनेंस विभाग को आवेदन दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अब तक विभाग इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रहा, जिस कारण लोगों की जिंदगी खतरे में। गनीमत ये रही कि आवास संख्या 2173 का छज्जा रात 12:30 बजे गिरा। छज्जा आवास संख्या 2169 के आउटहाउस पर गिरा। देर रात होने की वजह से वहां कोई मौजूद नहीं था, तो किसी की हताहत होने का खतरा टल गया। जी हां सर, आवेदन दिए हैं 2016, 2019 और ये आपका नोट AGM DGM से नोट सीट भी हम लोग 5/2/2021 को हम लोग नोट सीट भी दिए हैं और पूरा ब्लॉक हम लोग का 2169 से लेके 2174 पूरा ब्लॉक डैमेज है, पूरा ब्लॉक डैमेज है और हम लोग बहुत दयनीय स्थिति है। जब रोज मर मर के हम लोग बच रहे हैं, डेली छज्जा गिर रहा है। आज 2169 देने के बाद अभी कोई नहीं लिया गया है सर, इसका एक्शन नहीं लिया गया है। ब्लॉक पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा ऊपर से डैमेज हो गया है, 3 तल्ला से लेकर 2 तल्ला तक, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पूरा सामान में मेरा क्षति हुआ है। लेकिन उसके लिए जान माल का सुरक्षा हो गया, वही वजह रात में 12 बजे करीब गिरा है। और उस समय अच्छा था कि बैठे नहीं थे, हर दिन बैठते थे वहीं पर, भाग अच्छा था कि बच गए। मेरा सुभाग जब तक रहेगा तब तक तो रहेंगे ही, लेकिन पूरा ब्लॉक, बहुत ज़्यादा ब्लॉक सब गिर रहा है। इतना दिन से कंप्लेन कर रहे थे हम लोग, कंप्लेन ये लोग नहीं सुन रहा है, कंप्लेन में करके लिख के थक चुके हैं। अब बहुत लोग दहशत में हमेशा डरे रहते हैं, 2 दिन पहले ही बोले थे कि छज्जा गिरने वाला है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।